तीनों को दिया बेगई हाथ। फ्री का नौकर मिल जाए भगवान, मैं बाहर ही वाले पापा को कह रहा हूँ सच चला। अरे मैडम जी, हम जा ही रहे थे, बस इधर थोड़ा सुस्ता रहे थे। क्यों जाओगे भला? भाई तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे घर में रहोगे। बस मैंने कह दिया हमारे घर में रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। पहले तो आप बोली रहे हैं कि जरूरत नहीं है। अरे अरे वो तो पुरानी बात है, पुरानी बात को काटा मारो और नई बात सुनो ना। अभी तो चलो अंदर चलो। पक्का चले ना? चलो चलो। जी एएसपी साहिबा को बुला दीजिए ना। मैं हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। आपका बहुत नाम सुने हैं हम। हमें तो बहुत अच्छा लगा जब हमें पता चला कि आप वहाँ पुलिस अकादमी में पहले नंबर पे आए रही। हाँ लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण? लक्ष्मण ये मेरी सास है, मेरी भाभी। सबसे पहले तुम्हारे काम के सिलसिले में तुमसे भाभी बात करेंगी, यही फैसला करेंगी कि तुम यहाँ काम करोगे या नहीं। अरे खुश रह, खुश। जी आपको देखकर तो मैं देवी मैया याद आ गई। जैसे जैसे एक बाग को माली पूरा रखता है ना, एकदम संभाल के संजो के, एकदम वैसे आपने रखा हुआ इस परिवार को। सही सुर पकड़े हैं, किसी तरह भी मक्खन लगा ले बापू को और यही घर में रह जाओ। मैडम जी, हीरो जैसे जो दिख रहे हैं वो कौन है? मेरे पति सूरज राठी। बड़े साहब जी। अरे बड़े साहब जी, बड़े साहब जी। ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ कुछ नहीं जी, आपका आपका आशीर्वाद चाहिए बस। है साथ में है बस। एक बात बोले मैडम जी। कहिए। आप दोनों की जो जोड़ी है ना, राम और सीता मैया की जोड़ी लगती है एकदम। सबका परिचय तो हो गया है, अब बोल दीजिए काम क्या करना है हमें बस। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब तक भाभो हानि करेंगी तब तक तुम यहाँ कोई काम नहीं कर सकते हो। लक्ष्मण। हाँ जी बाबू। अपने बारे में कुछ बताओ। बाबू अपने बारे में क्या बताएं? पटना से हैं। जेकट है। बिहार में। जेकट है। झारखंड के पास। जानते जानते, आगे जानने की जरूरत ही को नहीं। आगे ने बोली। बाबू वहाँ गांव में ऐसे ही लंबा चौड़ा परिवार है हमारा, सब बहुत प्यार से रहते हैं, बिल्कुल आप ही के परिवार के तरह। इसके पहले भी हम तीन चार जगह काम करे रहे, बिल्कुल मन नहीं लगा। छोटा छोटा परिवार सब, एक साहब का तो शादी भी नहीं हुआ, बिल्कुल मन नहीं लगा। पापा साहब भले घर का लगता है। हाँ हाँ दिखता तो है। इतने बड़े परिवार में तो आके लगा कि हम बस अपने परिवार में आ गया हूँ। अब आप जैसा ऐसा बोलेंगे हम वैसा वैसा कर लेंगे बस। भाव एक बात बताएं आपको, आपको पता है हमारी दादी ने हमारा नाम लक्ष्मण प्रसाद क्यों रखा? क्यों? वो इसलिए रखा कि वो कहती थी बेटा लक्ष्मण जब जब तेरा नाम लूंगी ना तो भगवान का नाम मुंह पे रहेगा, इसी बहाने पुण्य मिल जाएगा। सही कह रहे थारी दादी। अच्छा एक बात बता, थारू ब्याह हुए हो या नहीं? हाँ। अभी तक ब्याह नहीं हुआ हमारा, हमारी अम्मा ही लाएंगी हमारी बहुरिया। अच्छी बात है। अच्छा जी बता, तू रोज कितना बजे आवेगो?
अरे भाभो, हम तो सारा सामान लेके आ गए, 24 घंटे यहीं रहेंगे जी आपकी सेवा में। मारे घर में? बाबू वो मैंने आपको बताया था ना कि अर्दली जो है सरकार घर के काम के लिए देती है, तो ये यहीं रहेंगे। पर बिन्नी जगह कट है। बाबू अब हमारा घर तो इतना बड़ा है, इनके लायक तो छोटी मोटी जगह तो मिल ही जाएगी। अब वैसे भी भाबो घर में जगह थोड़ी ना देखी जाती है, जगह तो दिल में होती है ना भाबो? पहली बार कुछ सही बोली भाभी। भाबो इतना बड़ा दिल है आपका, कहीं भी जहाँ बोलेंगे ना वहीं पसर जाएंगे। भाबो सवाल जवाब में क्या रखा आप, अब हमारा काम देखिए बस। भैया जी कैरिया ले आती हूँ, कैरिया काट देना हमारे लिए। कैरिया आपके सामने है, काट दीजिए इन्हें। अरे नहीं नहीं ये हम नहीं काट सकते। कर सकते? अरे भाबो बताइए इन्हें, अगर आधे घंटे तक उसको भिगो के रखेंगे तो मसाला कैसे चढ़ेगा कैरियों पे? बात तो सही है। बीनी जा करके ना पहले पानी में भिगा दे, उसके बाद में ना काटने के लिए कहे। अभी फटाफट रख देती हूँ। अरे अरे मालकिन ये क्या करा रही हैं आप? अरे ये तो हमारा काम है, ये तो हमें करना है, आप हटिए। मैडम हम 2 मिनट में प्रेस कर देंगे, ये हमारी ड्यूटी है। लाओ। तुम्हारी ड्यूटी है लेकिन ये काम मैं कर रही थी अभी अभी। अरे इसमें से तो आपने तमगे भी नहीं निकाले। मैडम तमगा निकाल के पूरा पूरा प्रेस कर देंगे 2 मिनट में, आप तैयार हो क्या? मुझे बोल रहे हो? संध्या भाभी के सारे कपड़े मैं ही इस्त्री करती हूँ। अरे हमारी ड्यूटी पे क्यों लात मार रहे हो? मैडम हम आपके नहीं, मैं ही करूंगी, भाभी के कपड़े मैं ही करती हूँ। चतुरी जाने दो ना, वैसे ही मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है पर 2 मिनट में दे देना। ठीक से करना हाँ। भाबो हम भी निकलते हैं, एप्लीकेशन जमा कराने जाना है ना। ध्यान से जाइए, काम ही ना हो कोई। भाबो जी वर्दी तैयार है, अब बताइए मैडम जी का कमरा कौन सा है? चतुरी जी भाबो इन्हें संध्या बिनी का कमरा दिखा दे, ऊपर है, अठीने से जाओ। मैडम जी का कमरा कौन सा है? ऊपर जाके दाई तरफ है। एक बात पूछनी थी, पूछें। ये मुंह बचपन से टेढ़ा है कि अभी बनाने के लिए हमें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जा रहे हैं, जा रहे हैं। इसको तो ना मैं मार मार के सीधा करूंगी, इसे परेशान किए जा रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।